ये जो आज सिख यूथ टीम फरीदाबाद है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि संसार के अंदर सेवाएं तो हर तरीके की बहुत सारे लोग करते हैं, पर इन्होंने फरीदाबाद के किसी कोने को नहीं छोड़ा जहां जाके इन्होंने अपना स्प्रे ना किया हो। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं BSNSL न्यूज़। आज हम 5 नंबर में आए हुए हैं। यहाँ पर रोटरी क्लब द्वारा, जो कि मानव की सेवा करता है, जिन्होंने रक्तदान शिविर लगाया हुआ है, आज हम उनके लोगों से बात करेंगे। सर, BSNSL न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज जो रोटरी क्लब ने ये कैंप लगाया है, ये कब तक चलेगा? आज 11 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कैंप। हेल्पर क्लब, चढ़दी कला और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के सहयोग दलों के सहयोग से 11 बजे से हमने कैंप स्टार्ट कर दिया है और ये अप टू 3 बजे तक हम लोग इसको चलाएंगे। यहाँ पर लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं? संख्या में तो अब आने शुरू हुए हैं और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहेगा हमारे साथ और इस महा जो कार्य है ये देश सेवा का, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। हमने पहले से लोगों को फॉलोअप किया हुआ है कि अब जैसे कि ब्लड की शॉर्टेज चल रही है इन दिनों में, तो इससे बहुत ज़रूरत है ब्लड जो है इकट्ठा करना और आगे इसको देश सेवा के लिए देना। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय जुनेजा है और मैं रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT का पास्ट प्रेजिडेंट और मौजूदा 5 नंबर डी ब्लॉक RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सामाजिक सुधार समिति का प्रधान भी हूँ। आज हम यहाँ पर हमारे देश के अंदर, हमारे शहर के अंदर खून की कमी है, ये कोरोना की महामारी जो चल रही है इसके अंदर ब्लड की बहुत बड़ी कमी आ रही है, तो उसे देखते हुए आज हमने यहाँ 4-5 चौक पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया हुआ है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इन हेल्पर क्लब को, चढ़दी कला और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जी जो ये संस्था है, इनके साथ मिलकर हम जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से रोटरी क्लब की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से इन सभी का आभार प्रकट करता हूं जो इस मानव सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सर, रोटरी क्लब वैसे काफ़ी समय से यहां पर कैंप लगा रहा है, लेकिन आज कुछ क्या देखने को मिल रहा है? आज हम ये देख रहे हैं कि आज लोगों को खून की जरूरत है और हमारे ब्लड बैंक में खून की कमी है, उसे देखते हुए हम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा ब्लड हमारे पास आए ताकि हम लोगों की जो सेवा है वो कर सके। आज जो कैंप लगाया है वो हेल्पर क्लब, इसमें क्या सहयोग कर रहा है? ये मेन रोटरी ब्लड बैंक है, इनका बहुत सहयोग मिल रहा है हमें और रोटरी क्लब NIT की तरफ से ये आज का कैंप है, इसमें हम सहयोग दे रहे हैं अपने हेल्पर क्लब की तरफ से, और भी कई सोसाइटी आज सहयोग दे रही हैं। जो इंसानियत आज ख़त्म होती नज़र आ रही है, ये ब्लड ही है जो उसको ज़िंदा कर सकता है, क्योंकि ब्लड हर इंसान की ज़रूरत है, उसमें ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए ज़रूरत पड़ती है, जब ब्लड हमें ज़रूरत पड़ती है, तो जब ब्लड हम एक दूसरे को डोनेट करते हैं तो हमारा प्यार बढ़ता है। और आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन होना चाहिए और हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, प्यार बढ़ना चाहिए, यही हम संदेश देना चाहते हैं। ऐसे हमारे जो गुरु नानक साहब जी, उन्होंने हमेशा कहा है कि आप लोगों की किसी भी तरीके से मदद कर सकते हो वो ज़रूर करो। वो हमें दे रहे ऊपर वाला, तो जब तक उसने हमें स्वस्थ रखा हुआ है, हमारी कोशिश है कि उसके दिए हुए में से हम भी कुछ जो है पब्लिक की सेवा कर सकें। और इस टाइम में हमारी कंट्री को काफ़ी ज़रूरत है, देश को भी, जब ब्लड डोनेशन की बहुत कमी हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आएँ और इस कार्य में सहयोग करें। मैम, कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? सर, अभी स्टार्ट हुआ, अभी 3 लोग आ चुके हैं। कब तक चलने वाला है? सर, ये 4 बजे तक चलने वाला है। सर, क्या नाम आपका? सर, अजय खालसा भाई बताए, मेरा नाम सर सतनाम सिंह है। आप सिख यूथ टीम की जो आप यहाँ पे सैनिटाइजर कर रहे हैं? हाँ जी सर।
कितने एरिया आपने अभी तक कवर किया फरीदाबाद? सर ये सिख युद्ध टीम फरीदाबाद, हम सर पिछले 32 दिनों से हम संडा जी की सेवा कर रहे हैं, प्लस हमने अब तक 500 परिवारों को जो ज़रूरतमंद हैं, जो डेली रूटीन के कमाने वाले हैं, उनको 500 परिवारों को सुखा राशन दे रखे आए। और इससे पहले हम 500 हर डेली का हमारा 500 बंदे का लंगर चलता था, जो अभी सरकार द्वारा हमने बंद कर दिया गया है। हमारे साथ सिख युद्ध टीम के साथी है, आपका क्या नाम? मेरा नाम अमृतपाल सिंह। लोगों सैनिटाइजर करें, लोगों की सेवा करें, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो प्रेरणा तो हमें अपने 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के जीवन से मिली, क्योंकि उनके समय में भी चेचक नाम की बीमारी जो महामारी का रूप ले चुकी थी उस समय काल में, तब उन्होंने भी अपने जान की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा करते हुए ज्योति जो समा गए थे। तो हमारा भी फर्ज है कि ये काम हम भी आगे होके करें। और अभी तक हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों हर जगह सैनिटाइज कर रहे हैं। तो हमें उपकार सिंह वीर जी ने बताया कि यहाँ पे कि ब्लड कैंप लगना है, तो हम उन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया और हम यहाँ आए। सर क्या नाम आपका? सर गुरप्रीत। तो हमें अपने गुरुओं से ही शुरू से यही प्रेरणा दी है कि मानवता की सेवा करो, जितना हो सके उतना दान करो, पुण्य करो। तो सर ये वहीं से हमें सेवा प्राप्त हुई है, और इसमें हमारा सिख यूथ सैनिटाइजर की सेवा और राशन की भी सेवा कर रहा है। ऑलमोस्ट हम फरीदाबाद पूरा कंप्लीट कर चुके हैं सैनिटाइजर की सेवा। सिख यूथ टीम फरीदाबाद है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि संसार के अंदर सेवाएं तो हर तरीके की बहुत सारे लोग करते हैं, पर इन्होंने फरीदाबाद के किसी कोने को नहीं छोड़ा, जहां जाके इन्होंने अपना स्प्रे ना किया हो और कीटाणुओं को मारकर सब कोरोना से दूर करने की कोशिश की है। कोरोना से कोरोना समरकरण जो है बीमारी है, उसको महा बीमारी को सफाई से ही रोका जा सकता है, डिस्टेंस से रोका जा सकता है, जिसमें इनका कार्य बहुत कुशलता से ये पूरे 25-30 बच्चे लगातार पिछले एक महीने से पूरे फरीदाबाद को टच कर रहे हैं। तो इनसे हमें आने वाली जनरेशन को भी सबक मिलेगा कि जब सारे घरों में बैठे थे, ये अपने डिस्टेंस को बना के अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए, कानून का पालन करते हुए, संविधानिक तरीके से जो आदेश है सरकार का उसको भी मानते हुए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इनकी तारीफ करनी चाहिए और इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। हमारे साथ रोटरी क्लब के कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोटरी सुनील मंगला है, मैं रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT का पास प्रेसिडेंट हूँ। सर कितने समय से आप सेवा दे रहे हैं? मैं रोटरी में 13 साल से हूँ, और जो ब्लड का ड्राइव है ये हमारा पिछले 2-3 साल से इतना ज़्यादा हमने मूव किया है, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई है समाज में। सर रोटरी क्लब आज यहाँ पे कौन सा कैंप लगा रहा है फरीदाबाद में? सर रोटरी क्लब जो आज ये कैंप लगा रहा है, इसमें क्या है कि थैलेसीमिक बच्चों को हमें ब्लड चाहिए होता है, डेली हमें देना होता है, और उस वजह से आज जब ये जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग ज़्यादा क्लब कैंप नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये एक इमरजेंसी कैंप चलाया है, जो कि सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें ये परमिशन दी है कि आज हम यहाँ पे कैंप लगा सकें विद द सोशल डिस्टेंसिंग। और उन थैलेसीमिक बच्चों को और या उन ज़रूरतमंद को जिनको ब्लड की बहुत ज़रूरत है, उनकी हम पूर्ति कर सकें। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रोटेरियन दीपक प्रसाद है, मैं रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं वॉलंटरी सर्विसेज मैं रोटरी ब्लड बैंक के लिए देता हूँ। सर कितने समय से आप रोटरी क्लब के साथ जुड़े हुए? सर मैं 2013 से मैं रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद आस्था से जुड़ा हूँ, और रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कैंप लगा रहा है, इसके साथ मैं जब से ब्लड बैंक बना है तब से जुड़ा हुआ हूँ, और 1 साल का टेन्योर हमारा प्रेसिडेंट का होता है क्लब का, तो इसलिए मैं आज की डेट में ब्लड बैंक की कोई पोजीशन होल्ड नहीं करता। पहले मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद। BSN नेशनल न्यूज़ को मजबूत करने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।